ए, क्या है तेरी इतनी बुरी शक्ल को बार बार नमस्ते करता रहूं क्या? ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी, समझे क्या? क्यों? तुझे नमस्ते कहने के लिए तुम क्या बहुत बड़े गवर्नर हो? वटाने खा रहा हूँ बेवकूफ के। वटाना? वटाना क्या इस तरह से खाते हैं? वटाना ऐसे खा रहा है जैसे लोगों को नमस्ते कर रहा है, और इसके बाद खाते दांत तोड़ूंगा तेरे। क्या हो रहा है, क्या बात है? साहब जी, मैं एक अनाथ हूँ, मुझे पैरालिसिस हुआ है, इसलिए मेरे अपने लड़के ने मुझे घर से बाहर हका दिया। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, वटाना खा रहा था, तो साहब ये आके बोलता है तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ये अपने पास मदद के लिए आया है और तुम इसे मार रहे हो? आप आइए, आप आज से यहाँ पर रह सकते हैं। ओ, लूले के साथ लंगड़ा भी है, वो बंद कर। वो मदद मांगने आया है, तू उसे ही मार रहा है, बेवकूफ कहीं क्या? वही बात वो बोल कर गया, तू वापस क्यों बोल रहा? तू इको है क्या? जान अपना काम करना साले सुपर। ए, पूरा नाम बोला कर, सुपर सुपर बोला ना, कभी तेरा सूप बना कर पी जाऊंगा। ये क्या है, कोई जाने लगता है तो तू पीछे से उसे गाली देता है और सामने आने के बाद नमस्ते करता है? अबे बेटे को नमस्ते नहीं कर रहा हूँ, वटाना खा रहा हूँ। अरे कैसा हलकट आदमी है, अनाथ आदमी का वटाना चुरा कर खा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? छे, शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है लेकिन अंत में बेइज्जती हो जाती है, अनाथ का वटाना अच्छा तो लगेगा ही। नमस्कार भाई। यहाँ पर सब लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और ये मुझे नमस्ते कर रहा है। अबे मैं नमस्ते वमस्ते नहीं कर रहा हूँ, बटाना खा रहा हूँ। अबे मैं इतना नीचे करके दिखा रहा हूँ, तू फिर भी उछल रहा है। लिखा मनी भाई, भाई इनका नाम रजिस्टर करके इन्हें अच्छा सा रूम दिखा दो। ठीक है। पापा? अरे रे, ये तेरे पापा है क्या? नहीं नहीं, ये मेरे पापा जैसे दिख रहे हैं, इसलिए मैंने पापा कहा। पापा जैसे ही है, अब अनजाने में तुमने गलती से इन्हें पापा कह ही दिया है, तो जब तक ये यहाँ रहेंगे तुम इनका ख्याल रखना, ठीक है ना? ये क्या है? बैंड है ये। संभाल के रहना वरना सारे पार्ट बैंड कर दूंगा। पापा यहाँ क्यों आए? तुम्हारी बहुत याद आई बेटी, कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना मैं? अपनी पहचान किसी को मत बताना। हाँ? किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए तो ये हुलिया बदल कर आया हूँ। अरे दीदी, ओरिजिनल ड्रेस में आना चाहिए था ना। हाँ? भैया मां रही है। सुन, वो यहाँ किस लिए आया, पूछ उससे। माँ, हम दोनों के बीच की बात हम लोग बाद में निपटा लेंगे। मैंने सुना है कि सुशीला की शादी होने वाली है माँ, उसका सगा भाई होने के नाते ये बात मुझे बतानी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं माँ, बहुत दिनों बाद ऐसा मौका हमारे घर में आ रहा है, मैं भी शामिल होना चाहता हूँ माँ। हम धूमधाम से उसकी शादी करेंगे, उसका भाई होने के नाते मैं अपना फर्ज अदा करूँगा। ये कुछ पैसे है जो मैंने उसकी शादी के लिए जमा किए थे, इसे ना मत कहना माँ, ये लीजिए। उसे पाल पोस के मैंने बड़ा किया है, उसकी शादी कैसे करनी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, एक गुंडे के भरोसे मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। तेरे दिए हुए पैसे से उसकी शादी करने से अच्छा है वो शादी के बिना कुंवारी ही बैठी रहे। वो आपकी बेटी है ये बात मैं समझता हूँ, लेकिन वो मेरी बहन है ये बात आप क्यों नहीं समझती है? एक माँ होकर अपने बेटे से ऐसे बात करती हो? अपनी बहन के लिए मेरा कोई फर्ज नहीं बनता। चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारे चमचों की तरह नहीं जो चिल्लाने से डर जाऊंगी। अभी तूने ही कहा था ना प्यार फर्ज, अगर तू इन सब रिश्तों को समझता है ना तो तुझे तेरी बहन की शादी में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गया ना तू? तेरे पैसे लेकर इसकी शादी करने से अच्छा है कि मैं इसकी शादी ही ना। बस हो गया माँ, बहुत हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। रुको, लड़के के घर वालों को मैंने बताया है कि मेरी एक ही लड़की है, मैं भी यही यकीन करती हूँ, तू भी इस बात का ख्याल रख। सर वाटर। थैंक यू। हेलो, तुमने जो कहा वो बिल्कुल गलत है, कोई एक कंपनी है उसका मालिक तुमसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहा है, किसी को भेजकर उसको अपने पास बुलवा लेना चाहिए था ना। भाई ये मेरा खुद का काम है, मुझे खुद ही करना पड़ेगा, कितने भी पैसे लगे कितना भी वक्त लगे ये काम खत्म करके ही आऊंगा। यस ओके सर। मिस्टर देवा। एक्सक्यूज मी सर। या अरे आप यहाँ कैसे? सर आप यहाँ कैसे? ये भी मेरी कंपनी है, अन्यायी आश्रम देवा। मैंने तो कुछ और ही समझा था, मगर यहाँ तो कोई गलत काम हो नहीं रहा।
कैसे चल रहा है? अपने फायदे के लिए मैंने पाप किया था, आपने मुझे इंसान बना दिया। मेरी फैक्ट्री के मजदूर बहुत खुशी से काम कर रहे हैं, इसका कारण है आप। दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलिए सर, मुझे क्या करना है? कांग्रेचुलेशन सर, एमडी ने आपको मैनेजर के पोस्ट परमिट दी है। रियली? सच कह रही हूँ सर। ओह गॉड, थैंक यू। सर आपने अचानक मुझे मैनेजर की पोस्ट दे दी, मैं कुछ समझा नहीं। तुम इतना एक्साइट क्यों हो रहे हो? तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि एक साल बाद मैं तुम्हें ये पोस्ट देने वाला था, वो आज ही दे दी। नहीं सर, अचानक। क्या कारण है ये मत पूछो। तुम अगर शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो मुझे मत करो। देवा नाम का एक आदमी है, उसे शुक्रिया बोलो। सर आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। सर एक बात और है, आने वाली 20 तारीख को मेरी शादी है, आप शादी में जरूर आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। श्योर माय बॉय। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। एक मिनट रुकिए, मुझे किसी का इंतजार है। क्या हुआ, क्या बात है बेटा? वीआईपी मेहमान का इंतजार कर रहा हूँ, उन्हें आने दीजिए। वो कब आएंगे पता नहीं, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। नहीं माँ, वो जब भी आएंगे वही हमारे लिए अच्छा समय होगा। वो आ गए। Excuse me, एक मिनट। नमस्ते सर। आइए। नमस्ते। हेलो। नमस्ते। आइए। सर कैसे हो दोस्त? क्यों दूल्हे राजा, भाई नहीं आएगा ऐसा सोच रहे थे ना? कोई कुछ भी बोले भाई जरूर आता है, बोलने वाले बोलते ही रह जाएंगे। पंडित जी, भाई अपने हाथों से मंगलसूत्र दे दो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। विश यू हैप्पी मैरिज। थैंक यू सर। ए पगली, तू खुश तो है ना? सर इनसे मिले, यह है मेरे मम्मी डैडी। नमस्ते। और यह है मेरी सासू माँ। नमस्ते। इनका नाम देवा है, ये सबकी मदद करते हैं, दिल के बहुत बड़े आदमी हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ। ये आपका बड़प्पन है सर, वैसे पूरे शहर में आपका ही नाम है सर। आप मेरी माँ की तरह हो, अपना बेटा समझ कर मुझे आशीर्वाद देना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे कहने पर बिल्कुल समय निकाल कर याद से मेरी शादी में आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। की कोई बात नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए जो आपने मुझे अपनी शादी में बुलाया। नमस्ते। अच्छा सर, नमस्ते, नमस्ते। भाई तुम भी मेरे साथ मार्केट आ रहे हो, ये बात का मुझे भरोसा नहीं था। अच्छा, इतना फ्रैंक बात कर रहे हो, धन्यवाद। सुनो, तुम अपनी बहन की शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया? खुद मुझे नहीं बुलाया था। फिर तुम क्यों गए? बुलाया गया। अभी तो कहा था कि नहीं बुलाया। हाँ नहीं बुलाया था। तुम क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, बुलाया था या नहीं? बुलाया था ये भी सही है, नहीं बुलाया था ये भी। मैं समझ गया, तुमने मुझे नहीं बुलाया इसलिए उल्टा पुल्टा बोलकर मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। अभी भी तुमने सीधी बात की उसके लिए धन्यवाद। अब मैं भी सीधी बात कर रहा हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कहीं भी बुलाऊं तुम मत आना, इसलिए हम दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे तो ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। देखो अलग अलग दिशा में जाने से मुझे फायदा है, तुझे बिल्कुल फायदा नहीं है। तू जाकर सब्जी खरीद। सब्जी खरीदने का पैसा अपने पैसे से खरीद लेना। हमेशा सीधी बात करता है, आदमी पर भरोसा नहीं रखता और चिल्लाता है। ये क्या खराब अंडा है? ठीक है चलो अब टमाटर देखते हैं। ये क्या सड़े सड़े टमाटर रखे हुए हो? ये पत्ता गोभी है, ये भी खराब है, ये खाने की चीज लग गई। ये पत्थर है, ये क्या बेचेगा तू? है अब ये नींबू बचा है, इसका क्या? क्या खरीदूं समझ में नहीं आ रहा है। ए, जरा पीछे मुड़कर देख, सब्जी खरीदने आया है ना तो सिर्फ सब्जी खरीद, सब्जी उठाकर पीछे मत फेंक।
अभी जो सब्जी फेंकी वो आपके चेहरे पर लगी उसी से चोट लगी है क्या? अरे चुप, क्या कौवे की तरह चिल्ला रहा है? अरे मैं कौवे की तरह चिल्ला रहा हूँ तो ऊपर क्यों देखा? देवा देवा हेलो हेलो हेलो, यहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ भाई वो तो गया, आप शुरू करो। अब तुझे बताता हूँ, किसका एरिया है? ये मेरा एरिया है। अरे रब के अंदर क्यों खड़ा कर दिया? ज्यादा बोल मत। अबे मुझे कपड़े की तरह क्यों धो रहा है? अब दुखते रहे थे। अरे पापी लोग पहले मार्केट छोड़ देते थे लेकिन आजकल कपड़ा सुखाने वाली क्लिप भी लगा कर जाते हो क्या? अब सूखने के बाद आयरन भी करोगे क्या?